जय हिंद दोस्तों। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक ऐसी अमानवीय घटना आ रही है जिसकी आप जितनी भी निंदा करें कम है। विद्यार्थी जीवन को कलंकित करने वाली, विद्यार्थी जीवन के ऊपर ये दाग लगाने वाली घटना है। और यकीन मानिए, एक विद्यार्थी ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली विद्यार्थी के शक्ल में छुपे हुए गुंडे हैं जिन्हें एबीवीपी के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति हैं। और इनके साथ कैसी बर्बरता की जा रही है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, आपको बहुत तकलीफ होगी ये वीडियो देख के। जहाँ पे जमीन पे गिरे ये शख्स विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, जिनके ऊपर बच्चे इतनी निर्ममता से, पैरों से, जिस गुरु के स्पर्श करते हैं हम पैरों की, जिन्हें हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, सम्मान से सिर झुकाते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ देखिए ये कैसी अमानवीय घटना की जा रही है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। गले में भगवा गमछा लपेट कर ये व्यक्ति खुद को एबीवीपी के विद्यार्थी बताते हैं। हालांकि एबीवीपी ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ये बताया है कि हाँ, ये उन्हीं के व्यक्ति हैं जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, विश्वविद्यालय के कुलपति से कुछ मांग कर रहे थे। पूरी घटना क्या है, आइए समझते हैं। या आखिर क्यों प्रदर्शन था, क्यों धरना था, और आखिर क्यों मामला यहाँ तक बिगड़ गया, सब कुछ जानेंगे। पहले इन छोटे छोटे वीडियो क्लिप को देखते हैं, माध्यम से देखते हैं कि कैसी बर्बरता वहाँ पे हुई है, इन विद्यार्थियों ने कितना अमानवीय कार्य वहाँ पर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुलपति महोदय सुरक्षा कर्मियों के साथ, तमाम पुलिस कर्मियों के साथ आराम से वहाँ से आ रहे हैं। और जैसे ही ये भीड़ के पास पहुँचते हैं, भीड़ हल्ला करना शुरू कर देती है। और उनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उनका सुरक्षा दे रही है। इसी बीच बच्चों के साथ हाथापाई होती है, झड़प की नौबत आती है। और यहाँ देखिए एक बच्चा कैसे पुलिस कर्मी के ऊपर हाथ उठाता है। ये सबसे पहले हाथ इसी बच्चे के द्वारा उठाया गया था, फिर उसके बाद पुलिस भी अपना आपा खो बैठती है और इन बच्चों को मारती है, उनसे झड़प होती है और कुलपति जी को बचाने की कोशिश करती है। फिर तमाम ये घटनाएं होती रहती हैं। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कुलपति जी को बाहर निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मियों को, कैसे उनको निकाला जा रहा है और विद्यार्थी कैसे जोर जबरदस्ती के साथ उन्हें पकड़ रहे हैं, उन्हें अंदर की तरफ वापस भीड़ की तरफ खींचना चाहते हैं। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्हें कुल सचिव बताया जा रहा है कि कैसे वो अकेले पड़ जाते हैं ये भीड़ के बीच में, वो खड़े होते हैं और फिर ये गुंडों की भीड़, जो कि खुद को विद्यार्थी कहती है, हालांकि ये खुद को विद्यार्थी कहलाने के लायक नहीं है, इनको जब अकेले पा जाती है तो कैसे इनके साथ ये घटिया हरकत करती है, कैसे उनको ऐसे मारती है। ठीक है, दैनिक जागरण में छपे इस खबर के मुताबिक ये जो विद्यार्थी हैं वो अपने 8 साथियों के निलंबन के खिलाफ, जी हाँ, किसी कारणवश उन्हें निलंबन कर दिया गया था, रेस्टिगेट किया गया था, तो उनका निलंबन वापस लेने के लिए, उनको एडमिशन वापस दिलाने के लिए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, विश्वविद्यालय से मांग कर रहे थे। दूसरा, ये भी बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए या प्रवेश पंजीकरण के लिए फीस शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, मामला कोई भी हो, आपके सवाल कुछ भी हो, विरोध करना बिल्कुल आपका एक हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के जगत में एक विद्यार्थी कभी भी अपने गुरु के साथ, कभी भी अपने शिक्षकों के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता, वो भी अगर विश्वविद्यालय की बात हो, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक समझदार बच्चे होते हैं, समझदार विद्यार्थी होते हैं, इतनी समझ तो होती है कि किसके साथ कैसे उनका बर्ताव करना है। तो इस तरीके की पूरी घटना हुई जहाँ पे कुलपति के साथ भी अभद्रता की गई, उनके साथ भी मारपीट झड़प हुई और साथ ही साथ कुल सचिव, अन्य पुलिसकर्मियों और अन्य सहकर्मियों के साथ भी ऐसी घटनाएं। हाँ, इस बीच में कुछ विद्यार्थियों ने भी अपने फोटो डाले हैं कि उनके भी हाथ कटे हैं, उन्हें भी चोट लगी है। लेकिन दोस्तों, गलती साफ और साफ दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये प्रदर्शनकारियों का है, क्योंकि उन्हें अपना अहिंसक रूप नहीं लेना चाहिए, अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए, उन्हें हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए था। तो ये पूरी घटना थी। आइए जरा सब विस्तार इस खबर को और पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है मामला। दैनिक जागरण में छपी ये खबर है, इसको जरा वन बाई वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो ऊपर हेडलाइन देख सकते हैं आप, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी की अराजकता, कुलपति और कुल सचिव पर हमला, ये आज की मुख्य खबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आंदोलित कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा को अपने लातों से रौंद डाला। बिल्कुल ये सही शब्दों में अखबार ने छापा है कि यहाँ के विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठा, सम्मान, गुरु शिष्य संबंध को अपने लातों से रौंद डाला है और कुलपति से वार्ता करने कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता उनके मना करते ही अराजक हो गए हैं। और उग्र कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रोफेसर राजीव सिंह, कुल सचिव प्रोफेसर अजय सिंह पर हमला बोल दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं ने उनकी भी पिटाई की। पुलिस ने छात्रों को खदेड़कर कुलपति को सुरक्षित निकाला। तो ये दोस्तों घटना आप देख सकते हैं कितनी निंदनीय है। एक विद्यार्थी बिल्कुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक सम्मान होता है गुरु और शिक्षक के बीच में, गुरु और विद्यार्थियों के बीच में एक डेफिनेटली सम्मान होता है। आगे देखिए, कुल सचिव गंभीर रूप से घायल हो गए,
नियंत्रण खो चुके छात्रों ने कुलपति के वाहन और कार्यालय में गमले और कुर्सी और लाठी डंडे चलाकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता ने कैंट थाने में तहरीर दी है। विश्वविद्यालय की तरफ से कैंट थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ABBP कार्यकर्ता 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपने 8 साथियों के निलंबन वापस और परिसर में प्रवेश पर लगी रोक के आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। 8 किन्हीं विद्यार्थियों का निलंबन हो चुका था और उन्हें वापस प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उन्हें वापस प्रवेश देने की मांग कर रहे थे। ठीक है, निरस्त मांग कर। शुक्रवार की सुबह 11 बजे कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देने बैठ गए। प्रशासन ने संज्ञान न लेने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 12 बजे कुलपति कार्यालय पहुंचे और गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। ठीक है, वाइस चांसलर के ऑफिस में जाके उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है और उसके बाद की घटना आप देखेंगे। कार्यालय कुलपति को बुलाकर वार्ता करने की जिद पर अड़े थे कार्यकर्ता। ठीक है, 3 बजे कुलपति विश्वविद्यालय के सुरक्षा घेरे में कार्यालय से बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं को लगा कि वह वार्ता करने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट की ओर जाने लगे नाराज कार्यकर्ता आक्रामक होकर हमलावर हो गए। तो सुरक्षा कर्मियों ने कुलपति को घेरे को मजबूत किया, लेकिन छात्र लपक कर उनकी गर्दन और चेहरे तक पहुंच गए। धक्का मुक्की के बीच छात्र लगातार हाथ चला रहे थे और सुरक्षा कर्मी कुलपति को बचाने में जुटे। जी हाँ, देखिए, उनके उनके गरीबान तक, उनके कॉलर तक, उनके चेहरे तक पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। किसी तरह पुलिसकर्मी उन्हें भीड़ से निकालकर सुरक्षित ले गए। कुलपति को सुरक्षित करने के बाद पुलिस सख्त हुई तो कार्यकर्ता भी उग्र हुई होकर उन पर टूट पड़े, पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और झड़प हुई। इसी बीच कुल सचिव प्रोफेसर अजय सिंह अकेले पड़ गए और कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर मारना शुरू कर दिया। कुल सचिव के जमीन पर गिरने के बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं रुके और लगातार हाथ पैर चलाते रहे। उन्हें हमले में उन्हें चेहरे, शरीर और सिर पर कई जगह चोट आई। ये कितनी घटिया बात है, कितनी गलत बात है कि आप ऐसे ऐसे अपने गुरु के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही निंदनीय है दोस्तों, बहुत ही निंदनीय। कुलपति जैसे ही वाहन में बैठकर निकले, कार्यकर्ताओं ने दूसरे मंजिल से कुलपति की गाड़ी पर गमले चलाना शुरू कर दिया। उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। चीफ प्रॉक्टर सत्यपाल सिंह को भी चोट आई। पुलिस आधा दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में लेकर कैंट थाने गई तो अब ABBP कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। देर शाम तक गहमागहमी जारी थी। आगे भी बहुत घटना, आगे भी बहुत इसमें खबर है, लेकिन दोस्तों बात यही है कि विद्यार्थियों की तरफ से गलत किया गया। आप कभी नहीं कर सकते, आपकी मांगे हैं, बात करें, प्रदर्शन करें, आप तो एक विद्यार्थी हैं, कैसे कोई हाथ उठा सकता है, कैसे कोई इतनी निर्ममता से ऐसे अपने गुरुजनों पे हाथ या पैर उठा सकता है, ऐसे काम कर सकता है। दोस्तों एक विद्यार्थी होने के नाते हम सभी विद्यार्थियों को ऐसे चीज़ों का खंडन करना चाहिए, डेफिनेटली निंदा करना चाहिए और अपने परिवेश में जहाँ भी हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक अच्छा माहौल, एक शांति का माहौल बनाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आप इसको कंडेम करेंगे, डेफिनेटली आप इसकी निंदा करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, कितना गलत किया विद्यार्थियों ने? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और एक विद्यार्थी होने के नाते भी हम सब इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसी घटनाएं ABBP के विद्यार्थियों ने किया, ये बिल्कुल ही निंदनीय। बाकी दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं, मुझे इंतजार रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी इस पर क्या प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। और एक लास्ट गुजारिश दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में कोशिश करिए कि ऐसी घटनाएं कभी भी आपकी तरफ से ना हो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गुरु शिष्य सम्मान हमेशा जरूरी है, बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।